हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1210th एपिसोड ऑफ नागपुर्स मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारिक ब्रदर्स ज्वेलर्स प्रेजेंस राज की बात इन एसोसिएशन विद पारिक विद पहनावा बुटीक। अ बिग थैंक यू टू स्ट्रॉबेरी फार्म्स, वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट रिजॉर्ट इन नागपुर सिटी एट कच्चीमेट वर्धा रोड। ऑल्सो बिग थैंक यू टू अंतरा मल्टी सर्विसेज बाय रूपेश पांडे, हैम्पराइड बाय निधि राठी एंड ऑल्सो कट्स द सलॉन। मेरी आज की जो मेहमान है वो एक बेटी है, वो एक जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट है, जिनका जो रुझान है वो आईवी स्पेशलिटी है। ऑल्सो शी इज गॉट अ लॉट ऑफ अवार्ड्स, रियली अप्रिशिएटेड, बट द थॉट of becoming a doctor was so passionate अपने profession को लेकर, अपने काम को लेकर इतना ज्यादा passionate होना इन्हें बनाता है the women of the year। चलिए मुलाकात करते हैं the very very popular doctor संगीता ताजपुरिया मैम से। मैम नमस्कार। नमस्ते मैम, congratulations being the women of the year। थैंक यू। सो मैम, नॉट जस्ट फॉर दिस ईयर मैम, ऑल द ईयर्स कमिंग। ओके, तो मैम शुरुआत करते हैं हम संगीता से। ओके मैम, व्हाट्स योर स्टोरी, आपकी कहानी क्या है? देखिए, अगर आप मेरी कहानी जानना चाहेंगे तो मेरा नाम से ही मेरी कहानी की शुरुआत होती है। मैं एक संगीतकार की बेटी हूँ, इसीलिए मेरा नाम संगीता है जी। फिर मैं संगीतकार की बेटी जरूर हूँ, पर पता नहीं क्या था कि मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी जी। मैंने गायन और सितार में भी विशारद किया है। मैं रेडियो में युवा कलाकार रह चुकी हूँ। जब मैं 12 साल की थी तब से मैं युवा उसमें सितार बजाती थी जी। बट एज यूजुअल, जिसको बोलते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर जी, जैसे ही मेरा मेडिकल में एडमिशन हुआ और मैं हॉस्टल में शिफ्ट हुई जी, मैंने मेरे इंस्ट्रूमेंट्स को उसमें डाल दिया, एक्सक्यूज में डाल दिया जी। अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मेरे पास प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है जी। तो मुझे उस बात का आज भी बहुत रिग्रेट है। मैम जी जी, रही बात मेडिकल की तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आज भी पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि मुझे आज भी ऐसा लगता है कि साइंस रोज बदल रहा है और अगर मैंने अपने आप को रोज अपडेट नहीं किया तो मैं कहीं ना कहीं मेरे काम से कुछ गलत करूंगी जी। मैम, जब आप 3 साल की, मतलब जब आप छोटी थी और वक्त के साथ जब धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आ रही थी, आपके फादर साहब एक संगीतकार थे और उनका संगीत सिखाते भी थे वो, लेकिन आपको जब ये पता चला, जब आप इतनी समझदार हुई कि आपको दुनियादारी, नॉट जस्ट दुनियादारी बट घर के अंदर की बहुत सारी बारीक बातें आप समझने लगे, और व्हेन यू केम टू अ सेंस दैट योर फादर इज विथ स्पेशल, यू नो, इज अ स्पेशल नीड चाइल्ड, ही वॉजंट एबल टू सी, मैम किस किस्म की भावना मन में चलती है? मैं आपको एक ही यही बताना चाहूंगी, आज तक मैं कितने बार, माय फादर इज नो मोर टुडे, बट आज तक मैं रेट्रोस्पेक्टिव इतने बार सोचती हूँ कि आजकल के बच्चे इतने डिमांडिंग है, आजकल के अगर युवाएं शादी करना चाहते हैं तो वो क्या क्या नहीं देखते हैं जी। बट मैं अगर मेरा परिवार देखूं, माय मदर इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, मतलब शी डज नॉट हैव एनी हैंडीकैप, वी आर 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जी। और मुझे एक भी बात याद नहीं है कि मेरे फादर अगर ब्लाइंड थे तो उस वजह से हम ये नहीं कर पाए। यू विल नॉट बिलीव, हमारे फादर हमको मूवी लेके जाते थे, हमारे फादर हमको महाराज बाग में जू दिखाने ले जाते थे जी। जब एनुअल सर्कस आता था तो माई फादर यूज टू टेक अस टू सर्कस एंड एज पिकनिक लेके जाते थे। ऐसी एक भी चीज नहीं है, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे 8th स्टैंडर्ड तक लेस, जूते की लेस बांधना नहीं आती थी, मेरे फादर मेरे जूते की लेस बांध के देते थे। तो मुझे एक भी चीज ऐसी याद नहीं है, यहाँ तक कि जब स्कूल के यूनिफॉर्म खरीदने हम जाते थे तो माय फादर यूज टू कम विथ अस और फिर वो हाथ लगा के कपड़ा देख के बोलते थे कि इट इज बेस्ट, तो हमने ये लेना चाहिए। बट मैम,
किस किस्म की भावना आती है? मैं चाहता हूँ कि आप उस भावना को व्यक्त करें। नहीं, मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ कि वो फीलिंग ही नहीं आई कभी, कभी नहीं आई। दिस फिजिकल हम असेस करने लगते, मेरे को ऐसा लगता है शायद जैसे मैं उनकी डॉटर हूँ, तो जैसे मैं मतलब बढ़ती गई तो मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ जी। मुझे मतलब माय फादर यूज टू टेक माय होमवर्क, वो मुझे पढ़ाते थे। और उनकी आदत थी खास कि जो हमारी समर वेकेशन होती थी, तो जैसे मैं जब सिक्स स्टैंडर्ड में जाऊंगी जी, तो सिक्स स्टैंडर्ड की बुक्स हमको समर में ही दिलाते थे और हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर पहले ही समर में पढ़ा देते थे। तो इट इज मतलब अगर आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ रह गया होगा या फिर इनको कुछ खेद है, ऐसा 0.01% भी नहीं है। तो ये लोगों के दिमाग में जो ये जो ये जो एक मानसिकता है, ये मैम ये मानसिकता को क्लैरिटी देने के लिए ही मैं सवाल पूछ रहा था। बिकॉज तो लोगों के मन में यही होता होगा कि अरे जब फादर यू नो, जैसे बहुत सारे लोग हैं मैम, दे आर स्पेशल चिल्ड्रन है ना, जिनके बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं। आप एक गायनेकोलॉजिस्ट, तो आपको पता है जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है और वो मैम वो फिजिकली कहीं ना कहीं अनफिट रहता है, तो मैम उनको यही प्रॉब्लम होता है कि जब ये बड़ा होगा, जब इसकी शादी होगी, तब इसका क्या होगा। तो मैम ये एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल जा रहा है। हाँ, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ, यू कैन नॉट अज्यूम एवरीथिंग। और आप अगर फिजिकल पे जा रहे हैं कि फिजिकल सब चीज होगा तो ही बेस्ट होगा जी, तो मैं आपके सामने एक जीती जागती एग्जांपल। सुपर मैम। सो मैम आपको डॉक्टर बनना है। मैम संगीत बुरा नहीं है मैम, नहीं आप एक संगीत घराने से हैं, फादर साहब आपके संगीत, आपके आइडल, आपके यू नो आप पापा की परी रही हैं आप, आपके बहुत करीब रहे हैं आपके पिता, आप उनके नक्शे कदम पर चल रही थी, संगीत सीख रहा था, आपने सितार सीखा, आपने क्लासिकल गायकी सीखी, हम डॉक्टरी ये कहाँ से आ गया, बायोलॉजी कहाँ से आ गया? देखिए मेरे चाचा डॉक्टर है, मेरे तीन तीन चाचा डॉक्टर है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जीन्स कहीं ना कहीं तो होता ही है, इसीलिए आप खानदान पूछते हैं पूरा। एंड आई बिलोंग टू अ वेरी बिग फैमिली जी। तो मतलब मैं आपको बता रही हूँ, मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड मतलब मेरी उम्र होगी 5 to 6 years जी, मैं तब से आई वॉज पैशनेट कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। तो मैं आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 11th-12th में मुझे एक कॉलेज में जो हमारे एसेसरी सब्जेक्ट्स रहते हैं वो नहीं मिल रहा था जी, और मुझे वहाँ पे मैथ्स लेना पड़ रहा था, तो मैंने वो कॉलेज मतलब जो टॉप मोस्ट कॉलेज था उसको छोड़कर आई वेंट फॉर द अदर कॉलेज जहाँ मुझे मैथ्स छोड़ना पड़ने मतलब छोड़ने मिल रहा था जी, सो दैट आई कुड फोकस ऑन बायो। और मैम सिर्फ बायो पढ़ा, फिर बायो ही पढ़ा क्योंकि डॉक्टर ही बनना था, डॉक्टर ही बनना था। मैम कभी आपके फादर साहब ने ये नहीं कहा आपसे कि, या घर पे किसी ने नहीं कहा कि अरे घर पे ऑलरेडी इतने डॉक्टर्स हैं, संगीतकार बनो? नहीं, उन्होंने कहा कि वो तो बहुत प्राउड फील करते थे कि मैं डॉक्टर बनी, बट उनको एक बात का हमेशा खेद है कि मैंने मेरी संगीत को हॉबी जैसा भी नहीं परस्यू किया, नहीं परस्यू किया, ये बात का उनको भी खेद मतलब, है। और आज मुझे खेद है, मुझे उस समय नहीं था, मतलब जो उस समय जो आपने संगीत से मुंह मोड़ा और आप अपने करियर में फोकस किया आपने, वो दिन शायद आज का दिन है कि वापस से, मतलब अभी मेरे फादर बोलते हैं कि चलो कम से कम तुम लिसनर तो हो जी, क्योंकि हर एक जना संगीत को नहीं, मतलब आई एम अ प्रॉपर प्योर क्लासिकल जी, क्लासिकल म्यूजिक टीचर डॉटर, उनको ये हिंदी पिक्चर के गाने और ये सब चीजें उनको नहीं पसंद जी, इट्स टिपिकल प्रॉपर संगीत। तो आपने नदीम श्रवण का संगीत और नहीं, ये सब तो सुना है, मैं आपको बता रही हूँ जी, रुझान जो रहा है। आई एम अ लिसनर यू कैन से, आई कुड हैव परफॉर्म, आई कुड हैव बिकम अ सिंगर और अ आर्टिस्ट ऑल्सो, सितार आर्टिस्ट, बट मैम ये जो जर्नी रही, जब आप पढ़ाई करनी थी और जब एक समय आया ये चुनने का कि आपको अपनी एक्सपर्टीज किस में करनी है या यू नो मास्टर्स किस में करना है, मैम व्हाई गायनेकोलॉजी? देखो राज, ये ना ये बात मैं आपको बताऊं, मैं ना बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी जी, डॉक्टर मींस सिंपल डॉक्टर जी, सर्दी बुखार वाला जी। वो जब हम मेडिकल में गए ना, तब हमको समझ में आया कि ये वो जमाना नहीं है जी,
सिर्फ MBBS से कुछ नहीं होगा जी, आपको और पढ़ाई करना है और आपको एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करना है जी। मेरी जो इच्छा थी दैट वाज अ जनरल डॉक्टर, कि लोग आएंगे बुखार लेके जी, तकलीफ लेके और मैं उनको ठीक कर दूंगी जी। मेरा मतलब इमेज MBBS में जाने तक, एडमिशन लेने तक वही था। फिर जैसे हम MBBS में घुसे, हम सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में पहुंचे, तब हमको असलियत समझी जी कि ये कुछ नहीं है, ये तो नर्सरी है, अब इसके आगे की पढ़ाई और बाकी है और ये तो ट्रेलर है। हाँ, तो बहुत कठिन है जी। तो फिर आप, टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसा कुछ भी नहीं था जी, सिर्फ पढ़ाई किया, एंट्रेंस दिया जी, अच्छे मार्क्स आ गए जी। तो उन्होंने बोला कि तुमको गायनी मिलेगा, तो हमने गायनी ले लिया, हमने गायनी ले लिया जी। गायनी लेने के बाद फिर इसके तरफ थोड़े दिनों के बाद, तुरंत नहीं, फिर जो रुझान आया तो वो आज तक बरकरार है। मतलब आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मैंने ये ब्रांच लिया एंड आई एम परस्यूइंग दिस एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैम, जब आपने ये डिग्री हासिल की, उसके बाद की जर्नी कैसी रही? बिकॉज मैम, जिस आप भले एक डॉक्टर परिवार से थे, लेकिन आई एम श्योर आपने तुरंत अपना क्लिनिक तो नहीं शुरू किया होगा। देखिए, मैं ना डॉक्टर परिवार से थी, पर हमारे जो मेरे जो चाचा हैं वो लोग जनरल प्रैक्टिशनर थे, तो हमारे पास कभी हॉस्पिटल नहीं था जी। जब मैं PG करके बाहर आई, मेरा उस समय भी वो कंसेप्ट क्लियर थे कि मुझे ना प्राइवेट प्रैक्टिस ही करना था जी, मुझे जॉब नहीं करनी थी। फिर मैंने नागपुर में, जैसे हमारे यहाँ कल्चर है नागपुर में जी, कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है जी, एक दो वर्ष मैंने वहाँ काम किया। फिर वहाँ काम करने के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, मेरे कुछ तरीके हैं जो मुझे पूरी फ्रीडम मेरे खुद के ही सेटअप में मिलेगी जी, और कहीं नहीं मिलेगी। तो फिर मैंने खुद का नर्सिंग होम किराए से शुरू किया, मतलब किराए से लिया, बहुत हिम्मत करके, कि मुझे बहुत टेंशन आ रही थी कि मेरे पास तो एक भी पेशेंट नहीं, क्योंकि अभी तक मैं कहीं ना कहीं अटैच थी जी, तो वो वहाँ के पेशेंट थे जो मैं ट्रीट कर रही। और वहाँ क्या सैलरी मिलती थी? वहाँ पे ऐसा था कि इट वॉज ऑन परसेंटेज बेसिस, क्योंकि वो जो पेशेंट था वो हॉस्पिटल का पेशेंट था जी, आपको आपकी कंसल्टेशन, आपको आपके ऑपरेटिव चार्जेस मिल जाते थे, इट वॉज नॉट ए फिक्स पे, इट वॉज SOS। पर कैसा था, जो पेशेंट थे वो हॉस्पिटल के लिए आते थे, दे वर नॉट कमिंग फॉर मी, राइट। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे खुद का चाहिए, मतलब पेशेंट शुड कम बाय माय नेम एंड आई शुड हैव माय ओन हॉस्पिटल। तो मैंने बहुत हिम्मत करके, जब मेरा खुद का एक भी पेशेंट नहीं था, मैंने एक हिम्मत करके, या फिर मेरे घर वालों ने मेरा साथ देके, हमने किराए से जगह ली। फिर हॉस्पिटल की शुरुआत हुई, तो वहां से भी हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, क्योंकि हम पहले महीने से ही हमने हमारे हॉस्पिटल का किराया हम निकालने योग्य बन पाए जी। तो फिर वो कॉन्फिडेंस आते 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 फिर हमने जगह ढूंढना शुरू किया, और आज हम खुद के हॉस्पिटल में विदांशा हॉस्पिटल में 5 वर्ष से है। मैम, नागपुर की चर्चित गायनेकोलॉजिस्ट हैं आप, पीपल लाइक यू, फॉलो यू। मैम, जब शुरुआती दौर के पेशेंट्स जो उस समय या डिलीवरी के लिए या गायनेक सजेशंस के लिए आपके पास आते थे, मैम तब के पेशेंट्स में और अब के पेशेंट्स में क्या फर्क देखती है? देखिए राज, मुझे एक और बात बताना है कि जब मैंने मेरा नर्सिंग होम डाला, तो मैं बहुत खुश थी कि मेरा पेशेंट तो हर घर में है, क्योंकि मेरा जो ब्रांच है वो फिजियोलॉजिकल है जी। प्रेगनेंसी ये कुदरती एक पड़ाव है जो होता ही है जी। तो मैं बहुत खुश थी कि मेरा तो मतलब आई हैव टू नॉट वर्क मच, आई विल गेट पेशेंट राइट फ्रॉम डे वन। फिर मुझे एक रियलिटी पता चली कि घर के लोग पुराने डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनको चाहिए सीनियर डिलीवरी के लिए, या फिर जो मतलब जैसे कि मैं यहाँ पैदा हुआ था, मेरा बच्चा भी यहाँ पैदा होगा जी, ऐसा वो चल रहा था। तो फिर मैं तो मतलब घबरा गई कि मैंने कहा यार, मुझे तो आता है डिलीवरी करना, मैं तो पढ़ाई किया है जी, बट ये सोच रहे हैं कि ये नई लड़की है हाँ।
तो मतलब मैं घबरा गई, क्योंकि उनका ऐसा था कि वो ट्रीटमेंट मुझसे ले रहे थे जी, पर डिलीवरी वहाँ, हाँ डिलीवरी सी मतलब नहीं, मतलब जो बड़े बड़े हैं वहाँ जाके कर रहे थे। तो फिर मेरा अचानक से रुझान इनफर्टिलिटी की तरफ ऑटोमेटिक, मतलब परिस्थिति ने मुझे इस तरफ ला दिया जी, कि मैंने इनफर्टिलिटी की और पढ़ाई करना स्टार्ट किया, क्योंकि उस समय ये सब चीजें ऑनलाइन जर्नल्स एंड ये सब चीजों में हमको मतलब उस समय हमको बुक्स में कम, ये नेट पे ज्यादा मिलती थी या फिर ऑनलाइन क्लासेस होती थी जी। तो मैंने उसकी तरफ रुझान बढ़ाना स्टार्ट किया जी। तब मुझे अचानक से दिखने लग गया कि जो लोग सीनियर के पास डिलीवरी के लिए जा रहे थे वही अपने घर की एक बहू या बेटी को मेरे पास लेकर आ रहे हैं ये बोल के कि ये अच्छा ट्रीटमेंट करती है, यहाँ पे रिजल्ट आता है। तो उसी घर का दूसरा पहलू मेरे तरफ आने लग गया, क्योंकि इनफर्टिलिटी प्रैक्टिस रिक्वायर्स पेशेंस एंड इट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो पेशेंट बीमार नहीं है जी। उसको ये नहीं उसको ये समझना है कि कुछ बॉडी का पार्ट है जी। जो काम नहीं कर रहा है जी। या कुछ बॉडी का पार्ट है जो जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर रहा है जी। तो हमको इसको काम पे लगवाना है जी, साइंस की मदद से बिल्कुल। तो फिर जैसे जैसे धीरे धीरे मेरे इनफर्टिलिटी के पेशेंट के रिजल्ट्स आने लग गए, मेरे पेशेंट का कॉन्फिडेंस जो सीनियर ढूंढ रहे थे वो खुद ही आने लग गए कि बेटा इनका ठीक कर दीजिए या इनको देख लीजिए जी। तो फिर आप समझ लीजिए कि उसने मुझे और कॉन्फिडेंस दिया और मेरा आज मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूं, पर मेरा एक्चुअल आइडेंटिटी आप अगर बोलो तो मेन फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या फिर निसंतान विशेषज्ञ के रूप में ही ज्यादा है। जैसे कई लोग आते हैं, मैडम यहाँ पे सब होता है क्या? तो मैंने उनको बोला बाहर तो हमने सारा दिखा है कि हम डिलीवरी भी करते हैं, हम लैप्रोस्कोपी भी करते हैं, हम यहाँ तक कि यूट्रस भी निकाल के देते हैं जी। बोले मैडम हमको तो यहाँ आके ऐसा लगा कि ये IVF सेंटर ही है। तो मैं उनको यही समझाती हूँ, हाँ ये बात जरूर है कि यहाँ होता सब है, बट IVF इज माई पैशन या इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट इज माई पैशन। तो मैं उसी को ही ज्यादा मतलब उसी से ही मैं ज्यादा जानी जाती हूँ मैम। लेकिन IVF को लेकर जो जागरूकता है, जो अवेयरनेस है, वो थोड़ी सी कम है। थोड़ी सी नहीं, मैं तो बताऊंगी आज भी, चाहे वो पढ़ा लिखा वर्ग हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे फिर वो एकदम गांव की आजीबाई हो, उनके सबके फंडे ये चीज में, तीनों के फंडे एक ही है, वो क्या क्लियर है कि IVF यानी आर्टिफिशियल, इसमें बच्चा एबनॉर्मल दिखेगा और ये किसी दूसरे का बच्चा रहता है। ये जो तीन चीजें हैं, और इतने कपल्स हैं हमारे पास जो कंसीव होते हैं पर वो जाते जाते बोलते हैं मैडम किसी को बताना मत कि IVF से हमारे हमारा रिजल्ट लगा है, आप सिर्फ बताना आपने ट्रीटमेंट किया। क्या वजह हो सकती है मैम? ये मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि ये जो तीन चीजें उनको लगती है ना, उनको लगता है ये दूसरे का बच्चा है, उनको लगता है ये बच्चा अलग दिखेगा, मतलब वो बच्चा शायद रोबोट दिखेगा या निग्रो दिखेगा, हाँ या निग्रो दिखेगा जी। और उनको ऐसा लगता है कि जिन्होंने IVF किया उन्होंने कुछ गलत किया, पाप। हाँ तो ये जो धारणा है, ये धारणा के लिए मैं तो हमेशा एक पैर पे तैयार हूँ कि मैं हरेक को समझाती हूँ। और आज भी मतलब ऐसा क्या माध्यम है जिससे हम लोगों को समझा सके? IVF साइंस का एक ट्रीटमेंट का एक प्रोटोकॉल है जो आप ही का गर्भ साइंस की मदद से बनाने में आपको मदद करता है और आप ही को प्रेग्नेंट करता है आप ही के बच्चे के द्वारा। मैम कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हम जहां पर आईफोन 13 और 14 के लेवल पर आ गए हैं, टेक्नोलॉजी हमारी इतनी लेवल पर जा चुकी है, सोशल मीडिया की एक छोटी सी खबर से हम झगड़ना शुरू कर देते हैं या उसका एक प्रभाव आ जाता है हमारे जीवन में। ये सिंपल बात लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। क्या समाज इसके लिए तैयार नहीं है या फिर ये वक्त जो है वो गलत चुना गया है? वक्त तो गलत नहीं है, वक्त तो बराबर है। और मैं तो आपको ये बता रही हूँ कि ये मतलब बहुत बड़ा एक आप समझ लीजिए बूंद को क्या बोलेंगे, वरदान वरदान है जो
अगर जैसे पुराने मेरे जैसे हमारे मम्मी का जमाने का जो टाइम था जी, उनके यहाँ क्या होता था, या तो शादी हुई साल भर में बच्चा पैदा होता था, या फिर 50 साल 25 साल हो गए उनको बच्चा हुआ ही नहीं, जो ही चीज होती थी जी, या तो हो गया या तो नहीं हुआ जी। आज हर एक जना कंसीव कर सकता है अगर वो सही समय पे साइंस की मदद ले ले तो। मैम बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते होंगे जो जाते वक्त जिनकी आंखों में नमी होती होगी इस बात को लेकर कि वो जो माए हैं वो कभी कंसीव नहीं कर पाई इस माध्यम से, आईवीएफ के माध्यम से वो कंसीव कर पाई, माँ बन पाई, अब उन्हें समाज बांझ नहीं कहेगा। मैम उस चीज को कैसे कनेक्ट करती है? देखिए मैं आपको बता रही हूँ, जिसने भी आईवीएफ का सहारा लिया और जिसने भी माँ बने, आखिरी में हर एक ने एक ही बोला, मैडम हम लेट हो गए, हमको ये एडवाइस तो पहले ही किया गया था, हमारी धारणा गलत थी कि ये हमको नहीं करना है जी। मैं आपको बता रही हूँ एक ही ट्रीटमेंट वो 4 साल तक लेने को तैयार है जी, पर ट्रीटमेंट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए ही वो तैयार नहीं हो पाते। सिर्फ 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 गलत धारणा, सिर्फ और सिर्फ जितने भी आईवीएफ से कंसीव करे हैं जी, आज तक एक भी कपल ऐसा नहीं मिला जो ये बोलता है कि हमसे गलती हो गई कि हमने आईवीएफ से बच्चा पैदा किया। हर एक कपल ये बोलता है हमसे लेट हो गया। पर मैम सामने आकर इस बात को एक्सेप्ट भी तो नहीं करते। हाँ, वो भी तो एक बात है। क्यों नहीं करते मुझे नहीं समझ में, मतलब वो भेज रहे हैं अपने लोगों को बट वो साथ में ये टैग के साथ भेजते हैं कि हमने यहाँ इलाज कराया। अब आईवीएफ इज वन ऑफ द इलाज, हर एक को आईवीएफ नहीं लगता है, बराबर है। तो उनका कहना है मैडम आप बाकी सब बता दो लेकिन ये मत बताना, ये मत बताओ। और कोई डंके की चोट पे बोलता है कि मैडम मैं ना लाइव जाना चाहता हूँ, हमारे फेसबुक पेज है हमारा वेदांशा का जी, दे गो देर एंड से मैडम मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि जो मैंने 10 वर्ष लगा दिए या जो मैंने 17 वर्ष लगा दिए आप ऐसा ना करें। बट ये समझ लीजिए 100 में से 2 है बोलने वाले, 98 नहीं बोलते। मैम एक ऐसे प्रोफेशन में है आप जो लोगों की जिंदगी में मुस्कान लेकर आता है, लोगों की जिंदगी में दर्द कम करता है। एक वक्त आपका भी आया था जो बड़ा हैवी टाइम था आपकी जिंदगी का, आपकी पर्सनल जिंदगी का। मैम वो 2 महीने कैसे थे? देखिए कैसा रहता है ये सब चीजें, एक प्रोसेस है जी। प्रोसेस है मतलब आप जन्म लेते हो, आप स्कूल जाते हो, आप कॉलेज जाते हो, आप पढ़ाई करते हो, फिर आपको शादी करना रहता है, फिर आपको सेटल होना पड़ता है जी। तो कभी कोई चीज सेटल हो पाती है, कभी कोई चीज सेटल नहीं हो पाती है जी। तो मेरा ये कहना है आपने किया ना, नहीं हुआ छोड़ दीजिए, मतलब उसको लेकर पकड़िए मत, क्योंकि बहुत आगे और भी भगवान ने चैप्टर्स लिखे हैं आपके लाइफ जी। तो आप वहां पे पहुंचिए, उसमें मतलब अपना परफॉर्मेंस देखिए, और अगर भगवान की किस्म मतलब आपके ऊपर अच्छी ब्लेसिंग्स रही तो पता चला उसके बाद से तो आप हमेशा सिर्फ फर्स्ट ही आ रहे हैं। एक बार आपको भगवान ने डाउन किया फिर आप सिर्फ ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं। पर उस तो रुकना तरफ, नहीं है। उस तरफ आपने कभी पलट कर देखा नहीं। और इसी एक ही बात बताऊंगी, आपका काम और आपका परिवार, आपका परिवार आपके हस्बैंड या बच्चे, सिर्फ ये परिवार नहीं होता है, परिवार होता है माँ बाप, भाई बहन, दोस्त जी, इसको भी परिवार बोलते हैं जी। और मैं तो सबसे ज्यादा लकी लड़की हूँ कि मुझे तो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा परिवार है जिसमें मेरा भाई छोटा है, मेरी बहन छोटी है, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। मैम एक जनरल पर्सपेक्टिव क्या रखती हैं, क्या सोच रखती हैं उन महिलाओं के बारे में जो अपना जीवन डिवोर्स के बाद, तलाक के बाद अपनी जिंदगी को संक्रमित कर देती हैं, 4 दीवारियों में बंद कर देती हैं? फिर वो ये सिर्फ हर चीज सोच के ऊपर ही निर्भर है। उन्होंने सोच लिया कि हम खत्म हो गए हैं, या उन्होंने सोच लिया कि इसके बाद मेरा अच्छा नहीं हो सकता है, तो इसके लिए उनको कोई मदद नहीं कर सकता, उनको खुद को ही अपनी मदद करनी पड़ेगी। सोच, अब आप हमारे आईवीएफ को देख लीजिए, सोच का ही कारण है कि कितने सारे लोग इससे वंचित बैठे हैं जी। साइंस है उनको माँ और पिताजी बनाने के लिए तैयार, बट वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं।
जी सेम चीज है, कभी किसी के साथ कुछ कम ज्यादा हो जाता है तो उसको लेकर बैठ गए। ये जो टैगिंग मैम, ये जो टैगिंग है, टैगिंग शायद आप उसकी बात करें मैम, वही अब समाज में कुछ ऐसे भी यू नो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो मैम विवाह नहीं करना चाहते, उनका फोकस उनका करियर है, उनका काम है, उनकी जिंदगी है, लेकिन मैम उन पर एक अलग किस्म का प्रेशर है। नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ, यू कैन नॉट जनरलाइज। जैसे मैंने आपको बोला, हम पैदा होते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हम फिर कुछ हमारा एक रूपरेखा बांधते हैं कि मैं ये हूँ तो मैं ये काम करूंगी या फलाना या जो भी है जी। तो आप जनरलाइज क्यों कर रहे हैं? अगर वो फीमेल है, उसको अगर शादी नहीं करना है एंड शी इज हैप्पी, तो आप उसका काम देखिए ना, आप उसको देखिए ना, आप उसको कंपेयर क्यों कर रहे हो? जब जुड़वा बच्चे कंपेयर नहीं कर सकते आप जी। जो एक समय पे पैदा होते हैं, दोनों का भविष्य अलग है, दोनों का मरण अलग है जी। तो हाउ कैन यू कंपेयर जस्ट बीइंग अ फीमेल टू एवरी फीमेल इन द वर्ल्ड? जब सगे भाई बहन सेम नहीं होते हैं, जुड़वा बच्चे सेम नहीं होते हैं, न स्वभाव से न उनकी किस्मत से जी। तो हाउ कैन यू मतलब यू शुड नॉट जनरलाइज मैम। क्या व्हाट्स योर थॉट ऑन सिंगल मदर्स? सी, सिंगल मदर इज ऑफ टू टाइप्स, वन हु डज नॉट गेट मैरिड एंड दे वांट टू बी अ मदर, राइट जी, दे आर नॉट रॉन्ग अनलेस एंड अंटिल, सिर्फ उनको टू डू लिस्ट करना है माँ बन के जी, तो दे आर नॉट एलिजिबल जी, दे आर नॉट एलिजिबल जी, कि हमको टू डू लिस्ट करना है कि हमने शादी नहीं किया पर फिर भी हम माँ बन गए जी। और एक रहता है पैशन जी, कि जरूरी नहीं है मुझे शादी करके ही माँ बनना जी, मैं अडॉप्ट कर सकती हूँ जी, मैं किसी बच्चे की जिम्मेदारी लेकर उसकी लाइफ में माँ की कमी पूरी कर सकती हूँ जी, एंड इट विल बी अ वाइस वर्सा, वो मेरी लाइफ में मुझे कम्प्लीट कर रहा है, मैं उसकी लाइफ में उसको कम्प्लीट कर रही हूँ, तो आई एम विद देम। पर क्या है आजकल, उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, जरूरत हो या ना हो जी, ये चीजें आजकल ज्यादा देखने को मिल रही है। यानी वी आर लिविंग इन मटेरियलिस्टिक थिंग वर्ल्ड। आपके पास अच्छा मोबाइल है पर आपके एक्स वाई जेड जो भी है, जिनके साथ आपका उठना बैठना है, उसने अगर अपग्रेड किया तो आप जिद में अपग्रेड करोगे, जरूरत नहीं है, तो दिस इज जस्ट अ डिजास्टर मैम। एक बेटी जो यू नो जब जन्म लेती है तो उसके पेरेंट्स उसे बोलते हैं कि बेटा तू तो पराया धन है, एक दिन तुझे जाना है। मैम आप अपने फादर की लेगेसी को आगे ले जा रही हैं, आप अपने फादर के सपनों को जी रही हैं। मैम जो बेटियां शादी करके अपने हस्बैंड के सपने जी रही हैं और अपने फादर को कहीं ना कहीं भूल जाती हैं, बस कुछ ही ऐसे पल होते हैं जिंदगी में जब आते हैं, जब पापा का बर्थडे है या कुछ खास कार्यक्रम है तभी उन्हें अपने फादर की याद आती है, नहीं तो वो ज्यादा समय अपना बचपन में मदर के साथ बिताती है और उसके बाद फिर पति के साथ। हम फादर्स को लेकर क्या सोचती हैं आप? देखिए फिर से वही बात हुई, एक जनरल कंसेप्ट है जी कि बेटियां पिताजी को प्यारी होती है, बेटे माँ को प्यारे होते हैं जी, बट फिर से आप उनको जनरलाइज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है जी। ठीक है, और इन केस जैसे आपने एक फिर से जनरलाइज किया जी, आप वो मत देखिए कि वो क्या कर रही है, आप ये देखिए कि वेदर दे आर हैप्पी और नॉट जी। अगर वो अपने हस्बैंड के साथ खुश है जी एंड दे आर नॉट कमिंग बैक, देन पापा इज आल्सो हैप्पी। यस, हिज फादर, हर फादर इज हैप्पी, शी इज हैप्पी, बॉटम लाइन इज एवरीवन शुड बी हैप्पी जी। मैम मुझे ना ये उन्हें डिस्क्लेमर आता है तो मुझे अपने शो में ना डिस्क्लेमर डालना चाहिए कि कुछ जनरलाइज सवाल होंगे, हो सकता है कि इस पे पर्सपेक्टिव्स अलग अलग हों। मैम अब चूंकि एक अच्छा अरसा गुजरा है जहां पर अब सक्सेसफुल हैं आप एक इंस्पिरेशन स्वरूप काम करती हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं आपके काम को, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी रही हैं, दोस्त हैं जो अब एक परिवार समान आपके साथ रहते हैं, मैम ऐसे कौन से दोस्त हैं आपके जिनको आप रात के 2 बजे भी फोन कर सकती हैं, अगर आपको अपनी उंगलियों में गिनना पड़े 1 2 3 4 5 उनके नाम क्या है? देखिए मेरी फ्रेंड है जिसके साथ मैंने पूरा MBBS
गुजारा है जी, वो बनारस में रहती है जी, उसका नाम है अर्पिता। पूरा पूरा नाम बताएं ताकि जी। अर्पिता वर्मा जी, ठीक है। अर्पिता सिंह था पहले, अभी अर्पिता सिंह वर्मा जी। फिर मेरी फ्रेंड है शीतल सोमन गोड़बोले जी। फिर मेरी स्कूल फ्रेंड्स है भावना जी, फिर श्रुति ओके। फिर मेरा मोहल्ले फ्रेंड है सचिन, एकदम हमारे कॉमन ग्राउंड है। कभी भी आप रात बे रात भी फोन करो तो ये मेरे ऐसे फ्रेंड्स है कि कभी नहीं पूछेंगे कि तूने इस समय फोन क्यों किया, क्या काम है ये बताओ। मैम क्या सपना है, क्या करना चाहती है, व्हाट्स द बिग ड्रीम? बिग ड्रीम में ये मेरा एक ही बिग ड्रीम है कि मेरा ये जो काम है जी, ये काम मैं ऐसे ही करते रहूं और जो अगर मैं कुछ परसेंटेज जी वाले कुछ परसेंटेज के भी अगर मैंने माइंडसेट चेंज कर दिया जी, कि इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेना गलत नहीं, नहीं है जी, और इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट कई रूपों में आते हैं, दवाई के रूप में आते हैं, जांच के रूप में आते हैं, ट्रीटमेंट के रूप में आते हैं, आपको कौन से भी लेवल पे आराम लग सकता है, तो आप स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट, ये जो धारणा है अगर ये मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया तो आप समझ लीजिए कि मैं जीत गई। मैम मतलब अगर आपको एक भी पर्सन ऐसा मिल गया कि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गए और अब हमको कुछ नहीं लगता, जबकि हमने ऐसे चार लोगों को और समझा दिया कि IVF या इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट गलत नहीं है, तो पर्पस सॉल्व्ड है। yes. मैम फिर भले वो कहीं भी ले, मतलब दे आर नॉट इन नागपुर, दे आर इन एनी पार्ट ऑफ द सिटी और एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट दे आर टेकिंग ट्रीटमेंट बाय क्लियरिंग देयर डाउट्स, देन माय वर्क इज डन। मैम आखिरी के दो सवाल, ये जो फ्रेम है ना मैम, इस तरफ से जब मैं देखता हूँ आपकी तरफ इस कैमरे पे, तो मैम इस पूरे कैमरे में आपके पीछे में आपकी ट्रॉफीज दिख रही है, आपकी एक तस्वीर दिख रही है, उधर राधा कृष्ण दिख रहे हैं, और आपके फादर साहब की भी तस्वीर है ना ऑन द लेफ्ट, है ना। मैम वन थिंग यू वुड लाइक टू से टू हिम ऑन द कैमरा, व्हाट विल दैट बी? एक ही बात बोलूंगी पापा को कि मैं उसी रास्ते पे जा रही हूँ जो आपने मुझे दिखाया, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो डेली मुझे काम करते हुए देख रहे हैं, एंड ही इज बिहाइंड मी, तो आई एम नॉट अलोन। मैम अगर जिंदगी की एक सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के एक सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, संगीता ताजपुरिया, डॉक्टर संगीता ताजपुरिया, मैम उसके नीचे कौन सी लाइन, कौन सा कोट, कौन सा पर्सपेक्टिव, कौन सा थॉट, कौन सी एक बात लिखी रहनी चाहिए जो आपको आपके व्यक्तित्व को डिफाइन करती है? जैसी जिंदगी आपको मिल रही है उसे एक्सेप्ट करो, या फिर वेर एवर लाइफ पुट्स यू, यू शुड ब्लूम विथ ग्रेस, यू शुड ग्रेसफुली ब्लूम। मत बोलो ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, इसके बदले आपने बोलना चाहिए अच्छा ये हुआ है तो इसमें से भी मैं सक्सेसफुली बाहर निकल के दिखाऊंगी। क्या बात, बहुत अच्छा मैम। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरी पूरी थॉट है और आपकी जो आपका जिस किस्म की आपकी पर्सनालिटी है और जिस किस्म की यू नो जिस किस्म के रास्ते को आप पकड़कर चल रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में IVF को लेकर या इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को लेकर जो लोगों को अवेयरनेस नहीं मिली या जो लोगों को जागरूकता में कहीं ना कहीं कमी दिखती है, जो लोग इसको एक सोशल टैबू बनाकर एक एक काले दाग जैसा देखते हैं, वो उम्मीद है न देखें, लोग आप जो बात लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं वो आप पहुंचाएं, आप जो काम कर रही हैं आप वाकई में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपके काम की तारीफ होती है, आपके व्यक्तित्व की तारीफ होती है, ऐसी आप अच्छा काम करती रहें। और आपको जब भी मैम वापस मौका मिले, आपसे एक निवेदन है, कृपया सितार को और संगीत को वापस से पकड़ें, क्योंकि शायद ये एक कमी है जो मुझे भी अभी थोड़ी बेचैन करती है, बेचैन कि मैं क्या करूँ, क्योंकि ना मुझे ना एक मतलब आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर वो एक क्या एक मिसिंग है कि मैं मेरे पास सितार भी है सब जी, है जी, कि मैं उठा लूँ और मैं रियाज करना स्टार्ट कर लूँ, पता नहीं वो क्या एक मिसिंग है
और मतलब मैं चल रहा है दिमाग में, पर मुझे लगता है हर चीज का वक्त होता है हाँ। और वो वक्त अपने आप चल कर आता है और वो वक्त बहुत जल्द आपके पास आने वाला है, क्योंकि अब ये बातें जो है वो बहुत सारे लोग, हजारों लोग जो ये एपिसोड देखेंगे वो भी कहीं ना कहीं इस बात की कामना करेंगे कि आप वापस से अपने फादर के पैशन को, अपने फादर के सितार को पकड़कर उन्हें याद करके कुछ गुनगुनाएं, जिसके बाद यू नो आपको आशीर्वाद और मिले। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर संगीता ताजपुरिया मैम से बात हुई, मुलाकात हुई, एक बहुत अच्छा इंटरव्यू काफी समय के बाद लेने का मौका मिला और सुनने का मौका मिला और देखने का भी। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे घरों में जहां पर बेटियां होती हैं, वहां पर जब इस किस्म की थॉट, अब तो नहीं, अब तो बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी ऐसे कई सारे माता पिता होते हैं जो अपनी बच्चियों को बस एक बात उनके कान में एज अ डोज देते रहते हैं कि बेटा एक दिन देखो वापस यू नो अपने अपने घर जाना है, अपने ससुराल जाना है, ये तो एक टेम्प्रेरी घर है तेरा। बच्चे के करियर की तरफ अगर ज्यादा ध्यान दें तो शायद वो अब बच्ची अपनी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन एक बात जो वाकई में एक सोशल टैबू है, एक कहीं ना कहीं एक ऐसी बात है जो समाज को बदलने का मौका नहीं दे रही, और वो डेफिनेटली IVF के बारे में है। सोचिए उस माँ के बारे में जिसे उसके खुद के माता पिता और खुद का परिवार, जिसमें वो जन्म लेकर आई है और जिस घर में वो आई है, जहां पर एक पति है, पति का परिवार है और उसका खानदान है, और वो उसके पीठ पीछे या कई बार उसके सामने उसे बांझ कह देता है। हो सकता है प्रॉब्लम पुरुष में हो, महिला में ना हो, लेकिन फिर भी एक महिला को ही सुनना पड़ता है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम 2022 में पहुंच चुके हैं, दुनिया, हम भारत एक ऐसा देश है जिसने सबसे लंबी दूरी तय की मार्स तक पहुंचने की, हम वहां तक पहुंच गए, लेकिन हम अपने समाज को बदल नहीं पाए, समाज की सोच को बदल नहीं पाए। क्यों हम साइंस को एक्सेप्ट करने में इतना वक्त लगाते हैं जबकि पूरी दुनिया की नजरें हमें एक अलग नजर से देखती है और भारत को ज्ञान रूपी देश देखती है। विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है भारत को, लेकिन भारत के अंदर में रहने वाले लोगों की मानसिकता इतनी रिस्ट्रिक्टेड है कुछ चीजों को लेकर, जिसको लेकर समाज में रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की। जबकि लोग जब पूछें कि एक स्त्री क्या कर सकती है तो स्त्रियों ने जवाब देना चाहिए कि एक पुरुष के शर्ट के टूटे हुए बटन को जोड़ने से लेकर एक पुरुष के गिरे हुए आत्मसम्मान को जोड़कर उसे उठाने का काम एक महिला कर सकती है, एक स्त्री कर सकती है। लेकिन जब मौका मिलता है एक स्त्री को बुरा बोलने का, तब एक स्त्री सबसे आगे रहती है। उम्मीद है इस एपिसोड के माध्यम से आप ये शो शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक डॉक्टर संगीता ताजपुरिया की बात पहुंचाएंगे, जहां पर हम इस टोटल जो थॉट प्रोसेस है जिसके लिए हमेशा एक महिला को जिम्मेदार ठहराया जाता है, उसे न ठहराया जाएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात दिन रात की बात, तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक बेटी है जिसे आप कई बार कहते हैं कि बेटा गाना गा ले, वो नहीं गाती, जिसे आप कहते हैं इंस्ट्रूमेंट सीख ले, वो नहीं सीखती है, लेकिन वो एक लक्ष्य लेकर चल रही है, और जब वो लक्ष्य पूरा करती है तो आप समझ सकते हैं कि वो डॉक्टर संगीता ताजपुरिया बन गई है। आपसे फिर होगी मुलाकात रात की बात, तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।